नमस्कार दोस्तों, आज आपके पास मैं एक केस स्टडी लेकर आया हूं। आप ये देख पा रहे हैं, एक हमारे पास बोर्ड आया हुआ है, लेनोवो का है, 17807-3M। प्रॉब्लम क्या आया हुआ है तो देखिए, वो मैं लिखा हुआ दिखाता हूं आपको, है ना। जिसके पास से बोर्ड आया उन्होंने लिख दिया पहले, लेनोवो का बोर्ड है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है। क्या लिखा है? ट्राई, मतलब क्या क्या ट्राई करके देखा। नो डिस्प्ले केस के लिए आया था, बायोस टूल से ऑनबोर्ड रैम को डिसेबल करके एक्सटर्नल रैम पे चालू करके दे दिया, है ना। मतलब पहले ये केस जो था नो डिस्प्ले के लाया था, बंदे ने देखा कि इसमें ऑनबोर्ड रैम है, तो देख सकते हैं ऑनबोर्ड रैम है, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बायोस टूल से ऑनबोर्ड रैम को डिसेबल करके दे दिया, डिस्प्ले आ गया, काम बन गया। 1 मंथ बाद सेम इशू के लिए रिटर्न आ गया, मतलब 1 महीने के बाद एक केस फिर से वापस आ गया, है ना। अब सेम इशू ही है जो न्यू बायोस जनरेट की थी, उसी को दोबारा राइट करके भी देख लिया। मतलब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने पहले क्या किया था कि ऑनबोर्ड रैम डिसेबल करके, हमारा जो एसपीडी टूल आता है उससे ऑनबोर्ड रैम डिसेबल करके दे दिया था, और आफ्टर 1 मंथ फिर से प्रॉब्लम रिटर्न आ गया नो डिस्प्ले का। उन्होंने अपने हिसाब से किया, उनको ज़्यादा नहीं समझ में आया। बोर्ड भी इस तरह का है कि जल्दी लोगों को समझ में ना आए, है ना। विस्ट्रॉन का बोर्ड है लेनोवो में, तो उन्होंने हमारे पास एक केस को फॉरवर्ड कर दिया। अब हमारे पास जो, हमने क्या किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया। देखिए, हमने पहले फिजिकली इसको देखा, जो हमारा सबसे पहले होता है डस्ट वस्ट ये सब निकाल देना, जो भी मॉइस्चर वगैरह होता है उसको साफ कर देना, वो सब काम हमने किया, है ना। और ये हीट सिंक जो देख रहे हैं आपको, ये हीट सिंक को हमने साइड कर दिया, और एक बार डिस्प्ले पे देखा, हमारा डिस्प्ले आ रहा था, है ना, डिस्प्ले आ रहा था। फिर हमने वापस इस हीट सिंक को लगाया तो फिर से डिस्प्ले चला गया। मतलब जो प्रॉब्लम थी डिस्प्ले नहीं आने की, कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, वो हीट सिंक की वजह से हो रहा था, कि हीट सिंक को जब हम यहाँ पे टाइट कर रहे थे तो उस केस में हमारा डिस्प्ले जा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, क्या बोलते हैं भाई इसको, कैप्टन टेप, क्या बोलते हैं, कैप्टन टेप, या फिर हीट टेप भी कहते हैं, है ना। ये वाला टेप हमने यहाँ पर यूज किया, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो हीट सिंक को जब टाइट कर रहे थे तो डिस्प्ले चला जा रहा था, और हीट सिंक को थोड़ा सा लूज कर देते थे, है ना, तो लग रहा था कि डिस्प्ले आ गया। तो हमने यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसर के साइड में हमने ये कैप्टन टेप को लगा दिया है। कहाँ पे, खोल के दिखा दूँ? हाँ, खोल के दिखाइए इसको, है ना। इस तरह हमने कैप्टन टेप का यूज किया। कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, हीट सिंक आपको टच में आ रहा था, हीट सिंक जो हो रहा था वो बोर्ड से टच में आ जा रहा था, जिसकी वजह से नो डिस्प्ले का केस हो रहा था। तो अभी देखिए आपके सामने सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा इस पर माथा नहीं मारना पड़ा, केस हमारा सॉल्व हो गया। मतलब इस तरह के केस है ना, जिसने भेजा वो खुद भी सॉल्व कर सकता था ना, अपना इतना दिमाग लगा लेता। अब इस बोर्ड के कितने चार्ज लोगे, 1500 रुपये लेंगे? हाँ, 7-8 जनरेशन, हाँ 1500 रुपये चार्ज लेंगे। देखो 1500 रुपये अब उनको देना पड़ जाएगा हमें, जबकि वो 1500 रुपये नहीं देता, फिर कुरियर का आना जाना करीब करीब 2000 का। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने इसको टेपिंग कर दिया है, और इस टेपिंग करने के बाद अब आप हीट सिंक लगा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड में डिस्प्ले भी आ रहा है। लगाओ इसको, अब बोर्ड में डिस्प्ले भी दिखाते हैं, है ना। अभी तो उन्होंने बोला कि ऑन बोर्ड रैम डिसेबल, हम तो उसमें गए ही नहीं, उसमें तो हम गए ही नहीं है। बात थी कि नो डिस्प्ले का केस था, तो डिस्प्ले कैसे आया उस चीज़ को मैंने दिखा दिया, है ना। आपकी क्या प्रॉब्लम थी नो डिस्प्ले ऑनबोर्ड रैम की वजह से, उसमें हम गए नहीं है। ना तो चलिए, तो ये भी हो सकता है कि ऑनबोर्ड रैम डिसेबल बायोस टूल से किया था, हो सकता है बायोस अपडेट हो गया होगा तो नो डिस्प्ले आया हो, ऐसा भी हो सकता है, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, अपना बायोस वही टूल वाला जो बायोस था ना, जैसे यहां पर लिखा ना, दोबारा राइट किया, तो दोबारा राइट करने से हो सकता है डिस्प्ले आ गया हो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अटक गई हो, हीट सिंक शायद निकाला हो, लगाया हो वहाँ पर, ज़्यादा टाइट कर दिया हो, तो हीट सिंक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, और ये आने लगा बोर्ड के कॉन्टेक्ट में,
कॉन्टेक्ट मारने लगा तो अब मेरा डिस्प्ले इसकी वजह से नहीं आ रहा है ना। तो डिस्प्ले आया कैसे, इस तरह हमने ये हीट टेप लगा दिया, इस तरह की टैपिंग कर दिया, अब हमारा प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है। दिखाइए डिस्प्ले आया, एम्पियर मेरा अच्छा खासा ले रखा है। डिस्प्ले लगाओ कीबोर्ड पे, ये देखिए हमारा डिस्प्ले आ रहा है। तो चूंकि हमारे पास और कुछ है, स्क्रीन वगैरह तो है नहीं, स्क्रीन वगैरह है नहीं, तो केवल कीबोर्ड के बेस पे हमने देख लिया कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है ना। जो प्रॉब्लम आया था नो डिस्प्ले का वो सॉल्व हो गया। कल की डेट में हो सकता है फिर से नो डिस्प्ले हो। क्यों डिस्प्ले हो, नो डिस्प्ले, ऑनबोर्ड रैम डिसेबल हमने बायोस टूल से किया है, तो हो सकता है उसकी वजह से कल को फिर से प्रॉब्लम आए। तो फिर उस समय क्या कर लेना चाहिए, ऑनबोर्ड रैम डिसेबल टूल का यूज न करके जो बोर्ड आईडी मेथड है उसका यूज करके आप ऑनबोर्ड रैम को डिसेबल कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है।